अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। आप जब भी आपको वीडियो मिलती है तो आप उसको शेयर कर दिया करें, और जो न्यू कमर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी जनाब, हम स्टार्ट करते हैं अपना काम कि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये डेजी फ्लावर। इसका बहुत ट्रेंड है स्वेटर्स के ऊपर, इसका क्रोशे स्वेटर्स के ऊपर भी बहुत ट्रेंड है, और निटेड जो स्वेटर्स होते हैं उसके ऊपर भी बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, मैंने कलर यूज़ किया है स्काई ब्लू एंड येलो, और अब मैं करना चाह रही हूँ थोड़ा सा चेंज। तो इसमें मैं करूँगी येलो एंड स्काई ब्लू, ठीक है। इसके लिए मैं लूँगी, अच्छा जी, मैजिक रिंग करने के बाद मैंने इसमें चेन वन किया, ठीक है, और हाफ सिक्स हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। 1, 2, 3, 6 हाफ डबल क्रोशे हमने मैजिक रिंग के अंदर बनाने हैं, ठीक है। रिटर्न पैटर्न भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि अगर टाइम अक्सर ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड द 6th मंथ। ओके, आप करना है, मैंने इसका थ्रेड थ्रेड खींच के मैंने ये मैंने कर लिया मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के अंदर मैंने 6 स्टेप हाफ डबल क्रोशे किए हैं, और अब जो है मैंने इन दोनों थ्रेड को जो है ना सेव करने के लिए, इस थ्रेड को सेव करने के लिए जो हमारा मैजिक रिंग के लिए, तो उसमें हम दोनों को इकट्ठे लेकर मैंने ये कर लिया स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने किया चेन वन, और ये पिछला वाला थ्रेड को हटाकर मैंने किया चेन थ्री। 1, 2, सॉरी, चेन वन तो ये हो चुकी थी, स्लिप स्टिच के बाद चेन वन और 2 चेन्स मोर। तो अब मैंने करना है इस जो स्लिप स्टिच के ये जो स्लिप स्टिच है इसी के अंदर मैंने 8 to 10 टाइम डबल क्रोशे करना है, ठीक है। 1 जी जनाब, मैं सेम स्टिच में 2 टाइम हो गए हैं, 3, 4, खुला खुला रखना है आपने, हाँ ढीला रखना है, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो अब जो है मैंने इन सब का थ्रेड को निकाल लेना है, वहाँ सिवाय इस वाले चेन थ्री के जो ये है लूप, इसको छोड़कर मैंने बाकी सारे जो है निकाल लेने हैं, और फिर इनको सिक्योर करके चेन थ्री कर लेंगे। 1, 2 एंड 3, और फिर सेम स्टिच में ही मैंने सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। अच्छा जी, स्लिप स्टिच करने के बाद जो है मेरा एक पफ जो बन चुका है, और अब मज़ीद 5 जो हैं वो मुझे बनाने हैं, ठीक है। फिर मैंने चेन थ्री किया, 1, 2, 3, और नेक्स्ट चेन में ये जिसमें किया था उससे नेक्स्ट वाली चेन में मैंने 10 टाइम डबल क्रोशे का पफ बनाना है, ठीक है। 3, 4, 5, सिक्स, इसी तरह से मैंने 6 पेटल्स इसकी बनानी है, 8, 9, ये 10। 10 करने के बाद मैंने इसको सब थ्रेड्स को निकाल के ये लास्ट वाली चेन का लूप रहने देना है। और हाँ अच्छा जी, अब मैंने चेन थ्री करनी है दोबारा से, और सेम पैटर्न करने के बाद 6 पेटल्स मैंने इसकी बना लेनी है, ठीक है। इसी सेम स्टिच में मैंने चेन थ्री करने के बाद सेम स्टिच में मैंने सिंगल इसका स्लिप स्टिच किया चेन, और फिर चेन थ्री किया, 2, 3, और नेक्स्ट चेन में फिर से मैंने 10 टाइम ये पफ बनाया है, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
चलें जनाब, मेरी हो चुकी हैं ये लास्ट जो है मेरी पेटल, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पेटल जो हो चुकी है। और मैंने चेन थ्री किया, 2 3, और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। ये देखिए, सेम सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच करने के बाद बैक साइड से जाकर मैंने इसका चेन वन किया, और थ्रेड जो है इसका मैंने काट दिया। अब जो है मैंने इसको खींच लेना है पीछे की साइड पर, और इस थ्रेड को आपस में बांध देना है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसका जो अंदर ये जो है ये वाला बनाने के लिए नेक्स्ट जो थ्रेड है मैंने वो लेना है। यहाँ से कोई भी एरिया लेकर आपने इसमें चेन वन, ठीक है, ये कर लें, और इसमें आपने चेन थ्री कर लेनी है आप। ठीक है, वन टू और ये थ्री, और उसके बाद जो है ये पहली वाली चेन में आपने एक टाइम पेटल पफ करना है, बनाना है। ठीक है, वन टू, अच्छा जी, 7 8 टाइम मेरे ये पफ करने के बाद मैंने अब इसको ऐसे किया, और चेन वन टू और थ्री कर लिया। ठीक है, सॉरी चेंज नहीं करनी, अब आपने आपने इसको ऐसे ही सिक्योर करके चेन वन के साथ थ्रेड आपने इसका काट लेना है। ठीक, और अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा टाइट करके बैक साइड से आपने ये निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों तरफ वाला थ्रेड निकाल कर इनको आपस में गिरा लगा देनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए जनाब, मेरे दोनों फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं। अब जो है ये देखिए, ये ब्लू के साथ इसके ये येलो, एंड ये येलो के साथ ये ब्लू स्काई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट सा। इसका बहुत ट्रेंड है, आप स्वेटर्स बनाइए, क्रोशे के बनाइए, नीडल्स पर बनाइए, और उसके ऊपर ये अटैच कर दीजिए। चाहे बड़ा साइज़ बनाए, बड़े साइज़ बनाने के लिए आपको ये करना होगा, थोड़ी सी हुक जो है वो मोटी हुक साइज़ जो है वो बड़ा लेना है आपने, और ये करना है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ करके बनाना है आपने। चेन जैसे मैंने चेन थ्री ली है, तो आप चेन फोर कर लीजिए और उसको मज़ीद लूज़ करके उसको बना लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बस मैंने इसको नीचे से निकाल कर इनके थ्रेड को आपस में गिरा लगाई है, और उसके बाद ये हो गया ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।